नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे होगे? मुझे आशा है आप लोग बिल्कुल ठीक होगी। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में अगर आला सुन लिया जाए तो क्यों ना दिमाग अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। आज आप सभी श्रोताओं, सब्सक्राइबर बंधु, मेरे प्यारे भक्तगण, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल देहाती कहानी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा रहस्य बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आला उदल मलखान ढेवा ब्रह्माजीत। आला माता जो शारदा माता थी मेहर वाली, उन्होंने आला को ही क्यों अमर किया, उदल को अमर क्यों नहीं किया? जब दोनों लोगों ने आला उदल और जो चौड़ावल ब्राह्मण था, जो पृथ्वी राज का मुख्य सेनापति था, तीनों लोगों ने 12 वर्ष तक तपस्या की, फिर तीनों लोगों में ऐसा क्या अंतर था जो आला को माता ने अमर किया लेकिन उधल और चौड़ा को क्यों नहीं अमर किया? क्या कारण रहा, क्या बात थी? आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा। प्लीज, उससे पहले प्लीज आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलता हूँ प्रश्न की तरफ। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात यह है कि महाशारदा सबसे पहले जाती है दिल्ली में, जहाँ पृथ्वीराज चौहान अपना दरबार संचालित कर रहा था। पृथ्वीराज के पास माता पहुंचती हैं। पृथ्वीराज से कहती हैं, माता हे राजन, मेरा खप्पड़ खाली है, मेरा खप्पड़ भर दो। पृथ्वीराज की परीक्षा लेने के लिए माता पहुंचती ही थी दिल्ली। पृथ्वीराज ने माता से कहा, मैं असमर्थ हूँ, मैं आपका खप्पड़ नहीं भर सकता हूँ। जब पृथ्वीराज ने कहा माता से कि मैं आपका खप्पड़ नहीं भर सकता हूँ, माता उससे गुस्सा होकर वहीं से चली जाती हैं। पहुंचती हैं महोबा, महोबा से फिर मंदिर में पहुंचती हैं, मेहर देवी जो शारदा माता का मंदिर था। वहां प्रतिदिन पूजा करते थे आला उदल और चौड़ावल, 12 साल हो गई थी। जब माता ने तीनों को बुलाया और बीड़ा दिए, 5 बीड़ा उसने माता ने उधल को दिए और 3 बीड़ा चौड़ामल को दिए और जो शेष रह गए वो आला को दे दिए। चूड़ामल ब्राह्मण मांस से खिन्न हो गया, गुस्सा हो गया कि माता ने मुझे क्या समझ लिया कि मुझे 3 ही बीड़ा दिए। गुस्सा हो गया चूड़ामल, तभी माता ने कह दिया, आज नहीं कल तो माना तीनों लोग। जब तीनों लोग कल पहुंच रहे थे और बारी बारी से सबसे पहले माता के दरबार में आला पहुँचे, आला पहुँचे, आला ने पैर छुए माता से, कहा माता ने आला से कहा मेरा खप्पड़ भर दो, क्योंकि आला एक वीर महान योद्धा थे। आला ने तलवार उठाई और अपनी गर्दन काटकर माँ के समर्पण कर दिया, माता के चरणों में अपना गला काटकर समर्पण कर दिया। माता इससे बहुत खुश हुई, आला से बहुत खुश हुई। माता ने आला को पुनर्जीवित कर और आला को वरदान दे दिया कि आज से तुम अमर हो, अमर हो, अमर हो। उसके बाद में आला बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद में फिर उदल पहुंचते हैं माता के दरबार में, उदल प्रणाम करते हैं। तभी उदल कहते हैं, माता मुझे भी अमर करो। माता कहती हैं, 3 लोगों में से मुझे एक ही लोगों को अमर करना है, वो भी मैंने आला को अमर कर दिया। तब उदल बहुत नाराज हुए, कहा, माता ये बात ठीक नहीं। माता ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अमर कर रहा हूँ, देखिए तुम अमर नहीं हो सकते हो, तुम्हारी जो मौत होगी जे ब्राह्मण चूड़ामल है इसके हाथों से होगी, और लेकिन ये आपके पीछे से वार करेगा और आपको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जब आप इसके हाथों से मारे जाओगे
तो आप सीधे स्वर्ग में पहुंचोगे। स्वर्ग में माता उदल को ये वरदान देकर, उदल भी बाहर मंदिर से आ जाता है। उसके बाद चूड़ामल पहुंचता है। चूड़ामल ब्राह्मण माता से कहता है, माता मुझे अमर करो, मुझे अमर करो। माता कहती है चूड़ामल से, मैंने तो आला को अमर कर दिया, तीन लोगों में से एक ही को अमर करना था। अब बात जो चूड़ामल था वो नाराज हो गया, वहीं पर कहा माता से, मैं अपने प्राण खो दूंगा अगर तुमने मुझे अमर नहीं किया। उसने प्रतिज्ञा कर ली चूड़ामल ने कि मैं मर जाऊंगा, यहीं पर प्राण खो दूंगा। उसके बाद में माता ने उसे समझाया और कहा, चूड़ामल कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ, तुम्हारी जब भी मौत होगी आला के हाथों से होगी, आला के हाथों से होगी, और कोई तुम्हें मार नहीं सकता, और आपके मृत होने के बाद आप भी सीधे स्वर्ग में जाओगे। दोस्तों तीनों को वरदान दे दिया था। यही रहस्य था कि आला को माता ने अमर किया था, उधल को नहीं किया था, चूड़ामल को नहीं किया था। अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।